यार वो यार मैंने टॉपअप किया और मेरे सारे जो भी था पैसा तो कट गया, लेकिन यार डायमंड से नहीं मिले। मैंने खेला यार इस गेम को, क्या यार मेरा नुकसान हो गया भयंकर। मैं डेवलपर को बताऊंगी तो बताऊं कैसे, पता नहीं कैसे बताऊं यार। मैं नहीं खेलूंगा यार अब से, कट गया यार पैसे पूरे मेरे, डायमंड भी नहीं मिले बताओ यार। अरे तू बिल्कुल सही बोल रहा है यार, बहुत सारे बग्स हैं, तुम तेरा वो हो गया और यहाँ बग्स इतने भरे पड़े हैं क्या बताऊं मैं। हर गेम प्ले में कोई ना कोई बग आता है, ये नेटवर्क इशू आ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है, कभी कंट्रोल्स फ्रीज हो जा रहे हैं, पता नहीं यार अब कंप्लेन भी कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा है। मेल करते हैं कोई रिप्लाई नहीं आता उनकी तरफ से, कहां से टॉक करें, कहां से उनको रिस्पांस दें, फीडबैक कहां से दें। अरे चुन्नू मुन्नू क्या हो गया, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो भाई, कोई दिक्कत आ रही है क्या गेम में, मेरे को बताओ ना यार, मैं काहे के लिए हूं, मेरे को बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं बताऊंगा तुमको सॉल्यूशन उस चीज का। आ गया नूबरा, अरे तेरे बस की नहीं है, तुझे बता के क्या फायदा होगा, कुछ पता फायदा नहीं होगा, तू मदद नहीं कर पाएगा, रहने दे भाई नूब, नूब इंसान रहने दे, मैं लगता है गेम ही छोड़ना पड़ेगा। अरे बताना बताना मेरे को, बता तो क्या हुआ, कोई इशू आ रहा है क्या तुम्हें, दोनों को चुन्नू मुन्नू दोनों को इशू आ रहा है क्या कुछ। हाँ आ रहे हैं यार, अभी बताया तो मेरे मैंने डायमंड परचेस किया लेकिन मेरे को मेरा पैसा तो कट गया लेकिन डायमंड नहीं आए, और इसका चक्कर यही है बग वगैरह जो चल रहे हैं, नेटवर्क इशू हो जा रहा है, कभी गेम फ्रीज हो जा रहा है, कभी सब कंट्रोल चल रहे हैं लेकिन जॉयस्टिक नहीं मूव कर रही है, इसका सॉल्यूशन बताया यार उसको। अरे रहने दे भाई, क्यों पूछा इससे, इसके बस का नहीं है तो रहने दे, नहीं बता पाएगा, नूबड़ा है ये, इसको नहीं पता कुछ, अता पता नहीं इसको, मजे ऐसे बोलते रहता है। अरे बस इतनी सी बात क्या यार, तुम फालतू में टेंशन ले रहे हो, मैं हूं ना यार, मैं का इकले हूं, मैं बताता हूं ना तुमको, आगे देखो वीडियो, मैं बताता हूं तुम्हें क्या क्या सॉल्यूशन इसका, कैसे तुम अपनी कंप्लेन डेवलपर्स के पास पहुंचा सकते हो रेडर 6 के। और हाँ आप लोग भी देखो, अगर आपको भी ऐसी कुछ दिक्कत आ रही, कोई बग वगैरह फेस कर रहे हो तो आप वो उसका फीडबैक दे सकते हो डेवलपर्स को, प्लस अगर आपने डायमंड वगैरह परचेस किए बट आपको डायमंड मिले नहीं बट पैसे कट गए तो उसका भी आप कंप्लेन कर सकते हो डेवलपर्स को, तो इसलिए वीडियो को आगे देखना। और यार अगर चैनल पे नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, तो चलो फिर लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अगर आपने डायमंड वगैरह परचेस किए हैं एंड आपके जो पैसे हैं वो कट गए लेकिन डायमंड आपको देखने को नहीं मिला तो उसकी कंप्लेन आपको कहाँ करनी है, तो अभी उससे पहले रिसेंटली जो डेवलपर्स हैं रेडर 6 के उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल पर एक पोस्ट किया था जिसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, एंड ये रिलेटेड था जैसे आप देख सकते हो, इसमें लिखा है प्लीज मेल टू अस इन केस यू आर फेसिंग डायमंड लॉस रिलेटेड इशू व्हाइल प्लेइंग लकी ड्रॉ। तो ये तो इन्होंने लकी ड्रॉ के हिसाब से बोला है, लेकिन अगर आपको स्टिल लकी ड्रॉ पे नहीं कोई फेस हो रहा है लेकिन आपने जैसा मैंने बोला कि आपने डायमंड परचेज किए हैं बट डायमंड आए नहीं और पैसे कट गए, तो उसके केस में भी आप कंप्लेन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है अपने उस चीज का कि आपने भाई पेमेंट किया है, एक तो उस चीज का, और अपनी यूआईडी कॉपी कर लेनी है, और एक यहाँ ईमेल एड्रेस दे रखा service@starlightgaming.in आपको यहाँ पे मेल कर देना है, एंड ये जो मेल जाएगा वो डायरेक्ट जो डेवलपर्स हैं रेडर 6 के उनके पास जाएगा, किसी और थर्ड पर्सन या फोर्थ पर्सन के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट डेवलपर्स के पास जाएगा, तो आपको डायरेक्ट से फीडबैक मिल जाएगा उसी टाइम पे। सो आप एक तो ये कर सकते हो, ये तो ही कि भाई आपको डायमंड आपको मिले नहीं, आपने परचेजिंग करी डायमंड नहीं मिले, या फिर आपके जो डायमंड है वो लॉस हो रहे हैं लकी ड्रॉ पे स्पिन करते हुए। अब बात करते हैं कि अगर हमारे बग्स वाला सीन है, बग्स हमें देखने को मिल रहे हैं मत्तेरे, तो हम क्या करें। तो देखो इस वाले ये जो ईमेल एड्रेस है इस पे आप बग्स वाला रिपोर्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको दूसरा बताता हूँ। तो आपको एक लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, ऐसे कमेंट में पिन कर दूंगा मैं, तो आप वहां से डायरेक्ट वहां जाओगे। जैसे आप जाओगे ना तो आपको पहले अपने गूगल से लॉगिन कर लेना अपने क्रोम में, जैसे आप लॉगिन करोगे क्रोम में तो आपको कुछ इस टाइप का शो हो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा है रेडर 6 बग रिपोर्ट, तो ये पूरा है कि बग डिटेल्स आपको प्लेटफॉर्म डिवाइस ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दिया है जो आपको फीड करना है इसमें। तो मैं आपको स्टार्ट से बता दूं, बग डिस्क्रिप्शन, तो आपको यहाँ पे जो लिखना है योर आंसर लिखा है ना यहाँ पे, आपको टैप करोगे तो यहाँ पे आपको वो लिखना है जो आपको बग फेस हो रहा है, कुछ भी जो भी बग आपको गेम में फेस हो रहा है, चाहे आपका जो ब्लैकआउट स्क्रीन हो जा रही है, चाहे ब्लैक स्क्रीन आ जा रही है, चाहे आप गेम से बाहर हो जा रहे हो एकदम से ऑटो बैक हो जा रहा है, चाहे आपका जो कंट्रोल है वो फ्रीज हो जा रहे हैं, जो भी आपको दिक्कत आ रही है वो सब आपको यहाँ पे फीड कर देना है। और पॉइंट वाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि पॉइंट वाइज लिखना, जैसे 1.1 नंबर डाला एंड इसके बाद एक वो लिखा, फिर सेकंड नंबर, फिर वो ऐसे करके डालना ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको पढ़ने में उनको समझ में अच्छे से आ जाए। और हाँ जो भी मेंशन करोगे वो इंग्लिश में मेंशन करना, हिंदी में मत करना, इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट पे जाएंगे तो प्लेटफॉर्म आप देख सकते हो, यहाँ पे प्लेटफॉर्म इसमें दो ऑप्शन दे रखे हैं एंड्रॉयड और iOS। तो प्लेटफॉर्म से मतलब है कि आपका जो डिवाइस है वो कौन सा है, एंड्रॉयड है या iOS है। अगर एंड्रॉयड है तो आपको एंड्रॉयड पे टैप करना है, अगर iOS है तो iOS पे टैप करना है। इसके नेक्स्ट आते हैं डिवाइस मॉडल, तो डिवाइस मॉडल में
आपको अपने डिवाइस का नाम लिखना है। जैसे मेरा डिवाइस है सैमसंग टैब S7 प्लस, तो मैं ये पूरा लिख दूंगा, आधा मत लिखना। जैसे पोको का है तो पोको, सिर्फ पोको मत लिखना, पोको का जो भी मॉडल नेम है वो लिखना पड़ेगा पूरा। तो जैसे मैंने बताया मेरा अगर सैमसंग टैब S7 प्लस है तो मैं पूरा लिखूंगा उसको सैमसंग टैब S7 प्लस, ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको कोई दिक्कत ना आए उस जो गेम है उसको डिवाइस के हिसाब से कस्टमाइज करने में। इसके अलावा नेक्स्ट है ओएस वर्जन, तो ओएस है आपका एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है। जैसे मेरे में 13 है तो मैं लिखूंगा एंड्रॉयड 13, आपके उसमें 12 हो 13 हो 10 हो आप एंड्रॉयड और उस हिसाब से लिखना जो भी आपका वर्जन है। एंड अगर आपके पास iOS है तो iOS में जो भी वर्जन होते हैं 15 13 14 आई थिंक ऐसे ही होते हैं शायद, तो आप वो भी टाइप कर सकते हो iOS के हिसाब से। ठीक है, गेम वर्जन, अब गेम वर्जन कौन सा है, तो गेम वर्जन इसलिए चाहिए होता है कि ताकि डेवलपर्स को पता लग जाए कि जो अभी रिसेंट वाला अपडेट जो गेम चल रहा है उसमें आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या उससे पहले वाली जो वर्जन चल रहा था उसमें आ रही थी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेम वर्जन देखने के लिए तो आपको जाना है सीधे अपने गेम में जाओ। गेम में जैसे आप स्क्रीन ओपन करोगे तो आपको स्क्रीन में ही दिख जाएगा टॉप लेफ्ट पे, वहाँ पे गेम वर्जन दिख जाएगा। जैसे यहाँ पे 1.0.19 तो वैसे आपको दिख जाएगा, तो बस आपको वो फिट करना है इसमें। इन गेम लोकेशन, इन गेम लोकेशन मतलब गेम में कौन सी लोकेशन पे आपको ये बग फेस हो रहा है। होता है ना कुछ कुछ बग जो है वो एक स्पेसिफिक लोकेशन में आपको देखने को मिलती है गेम में। तो जैसे अगर आपको एस टाउन में अगर देखने को मिला तो आप एस टाउन डाल दो, आपको वो ट्रांसपोर्ट पे देखने को मिल रहा तो आप ट्रांसपोर्ट डाल दो, तो ऐसे आप डाल सकते हो। इसके अलावा आपके पास एक प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये बग मेरे को देखने को मिल रहा है, चाहे वो स्क्रीनशॉट के तौर पे हो, चाहे वीडियो के तौर पे हो, क्लिप के तौर पे हो, तो वो आपको ऐड करनी पड़ेगी, तभी हो पाएगा, तभी डेवलपर्स को भी दिखेगा ना कि दिक्कत आ रही है आपको। अब आप पूरा भर के डाल दो और ये ना स्क्रीनशॉट डाला ना वीडियो डाला तो उनको नहीं समझ आएगा, तो इसलिए एक क्लिप, छोटी सी क्लिप बना के या फिर एक स्क्रीनशॉट डाल देना, तो ताकि उनको पता लग जाए कि भाई ये बग है, इसको सॉल्व करना है। इसके अलावा एडिशनल कमेंट्स, तो आप एडिशनल कुछ कमेंट देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसके अलावा देखो नीचे है सेंड मी अ कॉपी ऑफ माय रिस्पांस, तो ये डिफॉल्ट में ऑफ रहेगा। इसका मतलब सिंपल ये है कि जो भी आपने ये जो आप रिस्पांस दे रहे हो डेवलपर्स को, इसकी एक कॉपी तुम्हारे पास भी रहेगी ताकि पता चल तुम्हें याद रहे, या बाय चांस कभी मिस होता है तो डेवलपर्स को आप ये शो कर सको कि मैंने ये फीडबैक दिया था। तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑन रखो ताकि आपके पास एक कॉपी रहे। इसके बाद सबमिट कर दो, बस सबमिट हो गया, चले गए उनके पास फीडबैक, फिर वो उसके हिसाब से मे बी आपको रिप्लाई करें या फिर आपके जो डायरेक्ट डिवाइस पे काम करें। तो चुन्नू मुन्नू आई होप कि तुम दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा, तुम दोनों को पता लग गया होगा कि कहाँ पे कंप्लेन करनी है डायमंड लॉस से रिगार्डिंग और बग वगैरह से रिगार्डिंग। अबे नुबड़े, ये तो मेरे को पता था, वो बात बताई तूने जो मेरे को ऑलरेडी पता था, बट चल ठीक है बता दिया तूने, वैसे पता था मुझे। चल कोई नहीं, अगर पता था तो बढ़िया है। एंड यार आई होप आप लोगों की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी एंड आपको भी पता चल गया होगा कि अगर डायमंड लॉस से रिलेटेड कुछ इशू है तो वो आपको कहाँ पे फीडबैक देना है, एंड अगर आपके बग से रिलेटेड कुछ इशू है तो वो आपको कहाँ फीडबैक देना है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और यार अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए पसंद है, कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट यू आर फैंटास्टिक फैंटास्टिक।